हाँ वो भाई, मैं ओमकार। अभी सामने है क्रेटा, पुरानी वाली, ये नई वाली नहीं है, पुरानी वाली एस एक्स जो ऑप्शन से पहले आती है, डीजल वेरिएंट आप देख रहे हो। अभी क्रेटा बोलते हो तो सामने से कुछ इस तरह से लुक आता था। 2019-18 तक चली, 19 के बाद जो नई क्रेटा आई उसके बाद इसे डिसकंटिन्यू हो गई, लेकिन जब से ये लॉन्च हुई थी भाई साहब हाइप ही बन चुकी थी, लोगों के मन में छाई हुई थी। और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है, जैसे नया कोई वेरिएंट आता है तो ये पुराना वाला वेरिएंट पुराना होने लगता है। अभी ये जो सामने देख रहे हो एस एक्स जो है वो ऑप्शन से पहले वाला, मतलब सेकंड टॉप वेरिएंट देख रहे हो। अभी टॉप ही कह लो उसे, अभी सेकंड टॉप मतलब ऑप्शन से पहले ये वेरिएंट आता है जो है वो डीजल वेरिएंट 1.6 लीटर इंजन में आता था। अभी ये पर्टिकुलर इंजन जो वेरना में प्लेस था, यही इंजन जो है इसमें प्लेस था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है वो की जो है वो लोगो आप देख सकते हो, और एस एक्स की बेजन सीआरडीआई यूनिट के साथ ये जो है वो जो वेरिएंट आपको मिलता था। और यहाँ पे जो देख सकते हो, ये जो क्रेटा है वो इतनी फेमस थी उस जो है उन जमानों में, वो उससे मतलब कोई कॉम्पीट करने वाली गाड़ी नहीं थी। लेकिन क्रेटा हो, वरना हो, चाहे इन जैसी गाड़ियों पर्टिकुलर जो बात करते हो कोई भी पर्टिकुलर गाड़ी की, ह्यूंडई की, तो क्रेटा, वरना या फिर अगर करते हो वेन्यू, ये जो नाम है वो हटने वाले नहीं हमेशा। उनमें से जो है वो पुरानी वाली क्रेटा अगर सेकेंड हैंड बेचने जाते हो, अभी भी मार्केट में दाम देके जाएगी, अभी भी नाम कमाए हुई है। अभी अगर सेकेंड हैंड मार्केट में भी अगर बात करते हो तो नंबर वन पोजीशन पे है उनमें से। हेलो भाई, मैं ओमकार, यहाँ पे उनमें से सामने दिखा रहा हूँ एस एक्स जो है वो 1.6 लीटर डीजल इंजन जो डिसकंटिन्यू हुआ 1.6, और 1.5 सीआरडीआई जो है वो 16V चालू हुआ। अभी ये 16V से 1.6 सीआरडीआई देख रहे हो, जो करीबन मेरा फेवरेट पर्सनली था। आपकी राय में क्या था वो मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे ह्यूंडई का लोगो, यहाँ पे कुछ सेटल क्रोम फिनिशिंग दिखाई पड़ते थे। यहाँ पे जो है वो अगेन आपको प्रोजेक्टर जो है वो सिंगल प्रोजेक्टर जो है वो एलईडी लैंप मिल जाता था विद जो है डे टाइम रनिंग लाइट के साथ। नीचे अगेन आपको फॉग लैंप देखने को मिलता था, यहाँ पे क्रीजेस देखने को मिलता है। यहाँ पे अगेन बात करते हो, मतलब पुरानी वाली अगर क्रेटा से बात करते हो तो पुराना वाला डिजाइन भी मतलब मॉडर्न सा लगता था उस टाइम, प्रीमियम सी दिखती थी, ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है वो सेगमेंट में आती थी। साइड से अगर साइड प्रोपोर्शन की बात करते हो तो 5 मीटर तक आती थी, मतलब 4.5 मीटर के अंदर, मतलब 5 मीटर तक आती थी, 4.5-5 लमसम। साइड कॉर्नर में लेके चलता हो तो यहाँ पे जो है ORVM दिखाई पड़ते हैं जो क्रोम फिनिशिंग में आपको दिखाई पड़ता है। ये जो है थर्ड पार्टी लगा हुआ है, ये जो है डायनेमिक स्वाइप इंडिकेटर आपको मिलते थे टॉप एंड वेरिएंट आप देख रहे हो। SX ऑप्शनल में चलते हो तो डायमंड के अलॉय व्हील मिलता है, यहाँ पे आपको जो है वो व्हील कैप लगवाए दिए गए हैं, लेकिन ये जो है वो व्हील कैप नहीं है, जो है वो टॉप एंड वेरिएंट में अलॉय व्हील डलवा दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर साइड प्रोपोर्शनल में बात करते हो, यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग आगे आता है, ये आफ्टर मार्केट डलवाया हुआ है। जैसे अंदर लेके चलता हूँ, ये पुराने वाले जो क्रेटा का जो इंटीरियर था, एक्सटीरियर था, काफ़ी हैवी था। अगर बात करते हो, बंद करते हो दरवाजे को, तो पुराने वाले भी काफ़ी जो है वो हैवी आता था। यहाँ पे साइडों कॉर्नर में लेके चलता हूँ, डोर गार्निश आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगेन ये टूट गई है किसी वजह से। यहाँ पे साइडों कॉर्नर में आपको ग्रैब हैंडल में आपको क्रोम फिनिश प्लेस्ड थर्ड पार्टी डाला हुआ है। पीछे से भी साइड प्रोफेशनल में पीछे लेके चलता हूँ, सीआरडी का की बेजिंग देख सकते हो, यहाँ पे SX यहाँ पे बड़ा बड़ा सा लिखा है। अगेन जो है वो क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे देख सकते हो, लाइट यहाँ पे 110 लाइट आती थी, LED डे टाइम रनिंग लाइट। यहाँ पे जो है स्टॉप लैम्प आता था, यहाँ पे जो है क्रोम फिनिशिंग जो है वो, मतलब ये जो क्रोम फिनिशिंग देख रहे हो आफ्टर मार्केट डलवाई हुई है। अगेन ह्यूंडई का लोगो यहाँ पे देख सकते हो, ये अच्छा खासा दिखता दिखाई पड़ता है। पीछे डिफॉगर के साथ एक रेडियो एक्सेलेटर डंडी से दे रखी है, दो रूफ रेलिंग के साथ एक डंडी मिलती है, एक जो है वो ब्रेक जो है स्टॉप लैम्प मिलता है, एक डिफॉगर मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट आप फिलहाल SX देख रहे हो, और ये जो है वो आपको वाइपर के कंट्रोल अगेन मिल जाते हैं। थोड़ी सी पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पे कर दी गई है। अगेन जैसे भी नीचे चले के चलता हूँ, ह्यूंडई का लोगो अगेन देखने को मिलता है। पुराने वाली क्रेटा का जो डिज़ाइन है, मतलब डिज़ाइन एलिमेंट जो अगर बोलते हो, काफ़ी यूनिक से लगते थे यार, मतलब मुझे पर्सनली ये अच्छी लगती थी। और ये जो है वो 1.6 जो है वो CRDI आता था। यहाँ पे क्रेटा, यहाँ पे बड़ा बड़ा सा नाम लिखा है इटैलिक शेप में, यहाँ पे अगर देख सकते हो क्रोम फिनिशिंग, और ये जो है वो नीचे जो है वो एक जो है वो सिंगल आपको कैमरा के साथ 4 पार्किंग सेंसर आते थे। अभी अगर साइड ऑफ प्रोपोर्शनल में लेके चलता हूँ आपको, कितनी मॉडर्न सी लगती थी उस टाइम देख लो। अभी नई वाली जैसे क्रेटा आई, साइड ऑफ प्रोपोर्शनल में इधर पीछे से जो डी पिलर और सी पिलर की अगर बात करते हो, तो थोड़ी बहुत ना क्रेटा जो अभी नई वाली है उससे इंस्पायर्ड है। मतलब ये जो है वो डिज़ाइन उन्होंने चेंज नहीं करवा दिया, यहाँ से चेंज है, पीछे से और आगे से पूरा का पूरा चेंज है। और विड्थ में थोड़ा सा चेंज किया है, 1.23 मिलीमीटर से बढ़ गई है अभी वाली जो क्रेटा की बात करते हो तो। लेकिन पहले वाली, पुरानी वाली जितनी बिकी ना भाई साहब, उतनी जो है वो आज की क्रेटा भी करी है। मतलब क्रेटा के नाम में कोई भी जो है, अगर क्रेटा में आता भी है नाम तो बंदा आग झपक के गाड़ी लेता है। यहाँ पे अगर साइड प्रोफेशन में लेके चलता हूँ, को ड्राइवर पैसेंजर साइड में, वैसे ही जो है वो सिंगल जो है आपको जो है क्रोम फिनिशिंग मिल जाता है। अगेन जो है वो आपको जो है डोर गार्निश मिल जाता है, अगेन यहाँ पे टूट गए, यहाँ पे जो है अगेन क्रोम फिनिशिंग मिल जाता है। यहाँ पे साइड ऑफ प्रोफेशन में ऊपर अगर लेके चलता हूँ, रूफ रेलिंग, दो रूफ रेलिंग के साथ एक जो है वो आपको
डंडी सी दे रखी है। अभी ये जो है अंदर लेके चलता हूँ मैं को ड्राइवर पैसेंजर से। भाई फील देखो, ये बंद कर लेता हूँ, क्या फील है। मतलब अभी वाली क्रेटा के डोर की बात करते हो और पुरानी वाली, तो पुरानी वाली मच बेटर दिया भाई साहब। मतलब पता नहीं मॉडर्न सी लगती थी यार। ये सबसे मेरा फेवरेट यूनिट रहा है इंजन से, 1.6 जो है, और इस तरह से जो है वो कुछ लुक निकल के आता है ह्यूंडई जो है क्रेटा का यहाँ पे। और ये जो है वो नॉर्मल सी फ्लिप की आती थी, मतलब ये लॉक और लॉक वाली ऐसी जो है वो आपको दे रखी थी। यहाँ पे ऐसे लॉक करते हो तो ऐसे कुछ लॉक होती थी, यहाँ पे जो अनलॉक करते तो लग रही थी लॉक अनलॉक, और जो है बूट ओपनिंग के बटन मिलते थे यहाँ पे, ऐसे कुछ इस तरह से की आती थी जैसे आपको मॉडर्न ज़माने में लगती थी वैसे की वैसे आपको की दिखाई पड़ती थी। ऐसे अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, ऐसे कुछ दरवाज़ा खोलना पड़ता है। ये देख लो भाई साहब, अगर जो क्रेटा की बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इंटीरियर। हाँ भाई साहब इंटीरियर देख लो, मतलब ये जो थोड़ा सा इंस्पायर्ड ग्रैंड आइटन को करता है, भारी भरकम सा ढेर रखा था। यहाँ पे दो एसी विंड्स आते हैं। यहाँ पे पुराने जमाने में उस टाइम जब क्लॉक वॉक का जमाना चलता था, अभी तो क्लॉक नहीं आते, मॉडर्न डिजिटल डिस्प्ले आता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लॉक मैनुअल एच वगैरह कर सकते थे, एच और एम क्लॉक के जो बटन, म्यूट वगैरह कॉलिंग वगैरह करने के लिए यहाँ पे बटन दे दिए गए थे। यहाँ पे मीडिया के FM के यहाँ पे बटन दे दिए गए थे। TFT डिस्प्ले आता था यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के जो का, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग स्टाइल में मिलता था। TFT डिस्प्ले यहाँ पे मिलता था, प्लेंटी इन्फॉर्मेशन बताता था। यहाँ पे जो है हेडलाइट लेवलर के बटन मिल जाते थे, यहाँ पे जो है वो एसी के बटन, पुश स्टार्ट बटन मिल जाते थे, यहाँ पे एसी ऑटो करने के लिए बटन मिल जाते थे, ऑफ वगैरह ऑन करने के लिए मोड स्पर के बटन मिल जाते थे। क्लियर एक अच्छी चीज़ करती थी उस टाइम जो है, क्लीन एयर का जो है वो अच्छा खासा जो है मिलता था। हज़ार लाइट्स की वार्निंग यहाँ पे आती थी, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ आते थे, यहाँ पे Hyundai का लोगो आता था। फोन लॉक अनलॉक जो है वो हैंगअप पिकअप करने के लिए बटन आते थे, म्यूट के बटन वगैरह सब मिलते थे, मोड वगैरह के बटन यहाँ पे अगेन देखने को मिल जाते थे। Hyundai का लोगो अगेन देख सकते हो। और ये जो स्टीयरिंग आप देख रहे हो मतलब अच्छा खासा होल्ड कर सकते थे। अभी पुराने वाले का देखते हो तो इससे मुझे बढ़िया पुराना जो है वो नया वाला जो है क्रेटा का लगा। और पुराने वाले का भी अच्छा था, लेकिन फ्लैट बॉटम्स नहीं, गोल मोटोल सा दे रखा था। यहाँ पे स्टील व्हील जो है वो थोड़ी सी मैट फिनिशिंग के, क्रोम फिनिशिंग का आप जो है देख सकते हो। यहाँ पे एसी विंड देखने को मिलते रहे। ये जो नए वाले क्रेटा में अभी जो बटन है लॉक अनलॉक के बटन यहाँ पे दे दिए गए, लेकिन पुराने वाले में यहाँ पे आते थे। मतलब ये जो बंद करते हो क्या दरवाजा लगता है यार, क्या फील होता है। अगेन को ड्राइवर पैसेंजर साइड में आते हो, यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ। खैर यहाँ पे अंदर जाने के लिए थोड़ा सा एक फुट स्टेप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नए वाले क्रेटा में अगर उतरते हो तो थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस की मुझे इससे कम लगा नए वाले क्रेटा का। यहाँ पे अगर बात करते हो चारों के चारों पावर विंडो लॉक अनलॉक के बटन आते हैं, यहाँ पे विंडशील्ड बंद करने के लिए बटन आते हैं, यहाँ पे मिरर के या इधर उधर करने के लिए बटन आते हैं, लेफ्ट राइट करने के लिए वॉल्यूम और वॉल्यूम लॉक करने के लिए बटन आते हैं। दो ट्विटर के साथ चार जो है वो स्पीकर के साथ जो है स्पीकर आते हैं, नॉर्मल जो है स्पीकर Hyundai के जो कंपनी फिटेड आते हैं। चारों के चारों पावर विंडो और एक ऑटोमेटिक जो है वो पावर विंडो मिल जाती है, मिरर के बटन वगैरह सब मिलता है। और इस तरह से कुछ जो है बिल्ड क्वालिटी के मामले में क्रेटा इतनी अच्छी थी। यहाँ पे जो है अगर बात करते हो तो ये जो है ORVM अच्छा खासा दे रखा था। यहाँ पे पीछे अगर मैं लेके चलता हूँ गाड़ी के, भाई साहब पीछे ज़बरदस्त था यार। मतलब चारों के चारों बॉटल होल्डर रखने के लिए जगह थी पीछे। अगर बात करो तो चारों के चारों बोटल ओढ़ने के लिए जो है बॉटल वोटल रखने के लिए जगह दे दी गई थी। यहाँ पे जो है आमरेस दे गया था, लेकिन यहाँ पे बंद करके रखा है, यहाँ पे कोई आमरेस वगैरह नहीं मिलता था। ये जो है वो SX ऑप्शनल देख रहे हो उस टाइम का, ऑप्शनल से पहले। अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ, ये देखो मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। अंदर थोड़ा जाने के लिए मुझे मतलब पुरानी वाली क्रेटा नए वाली क्रेटा से जो विड्थ प्रोफाइल जो है वो डोर की तो बड़ी लगी। यहाँ पे जो डोर है लॉक अनलॉक के बटन वगैरह आते हैं सब लॉक करने के लिए, विंडशील्ड यहाँ पे बटन आते हैं, चारों के चारों बॉटल होल्डर आते हैं वहाँ पे, यहाँ पे रियर एसी विंड्स आता है, यहाँ पे रियर एसी विंड्स अच्छी चीज़ है। कूलिंग काफ़ी बढ़िया था, पीछे से कुछ इस तरह से इंटीरियर का लुक निकल के आता है भाई साहब यहाँ पे, मतलब मज़ा ही आता है। ये बंद कर लेता हूँ फिर, और ये जो है वो पूरा बताऊँगा मैं अभी। यहाँ पे जो है वो अगेन मस्त लगा यार मुझे, इंटीरियर काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का दे रखा था उस टाइम। फिफ्थ गियर जो है वो सिक्स गियर मैनुअल ट्रांसमिशन 1.6 लीटर जो है वो डीजल इंजन CRDI 16V आता था, जो करीबन जो है वो 175 न्यूटन मीटर का पीक टॉक और 113 BHP छोड़ पाता था। ये पर्टिकुलर इंजन 115 BHP छोड़ लेता है। 1.6 आप देख रहे हो वो 175 या 175 BHP समथिंग 176 न्यूटन मीटर का पीक टॉक आराम के साथ 3500 RPM में छोड़ लेता था। यहाँ पे जब AC विंड देख सकते हो, और यहाँ AC विंड के कंट्रोल यहाँ पे देख सकते हो, 6 फीट वाला बंदा आराम के साथ बैठ सकता है। थाई सपोर्ट, अभी मेरी हाइट है लमसम 5'7" एवरेज इंडियन हाइट है। अभी ये सीट आगे हो रखी है, पीछे अगर करते तो अभी घुटने टिक नहीं पाएंगे, अच्छी खासी चीज़ दे रखी। यहाँ पे जो है वो अगेन बॉटल होल्डर चारों के चारों देख सकते हो, विंडशील्ड के कंट्रोल अच्छे खासे आते थे। बैठने के लिए काफ़ी स्पेशियस थी गाड़ी, मतलब एरियर भी नहीं थी। अभी वाली क्रेटा की अगर बात करते हो, वहाँ से मॉडर्न हो गई पूरी की पूरी, मतलब चेंजेस तो ला दिया। लेकिन अभी मैं बताता हूँ वहाँ पे ड्राइवर साइड में जाके, पीछे बात करते हो 480 लीटर के अंदर बूट फायरिंग कैपेसिटी आपको मिल जाती थी, अच्छी चीज़ है, वो भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे चारों के चारों बॉटल होल्डर
जो होते आते हैं, चारों के चारों बॉटल होल्डर। यहाँ पे कुछ स्पेस रखने के लिए, कुछ पेपर वर्क रखने के लिए जगह आपको मिल जाती है। चारों के चारों जो है कंपनी फिटेड जो है स्पीकर आते हैं। यहाँ पे कुछ स्टोरेज रखने के लिए जगह दे दी गई है। यहाँ पे आर्म रेस्ट अगेन आपको अच्छा खासा मिल जाता है, मतलब लेदर है, फिनिशिंग हाफ लेदर है। आज कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हो। अभी अंदर जैसे बाहर उतरते हो यहाँ से, तो ये जो विड्थ देख रहे हो आप थोड़ी सी कम है, मुझे नए वाले क्रेटा से कम लगी। उससे नई वाली से कंपेयर करते हो, अगर नई वाली कंपेयर करते हो तो थोड़ी सी बड़ी आपको लगती है। जैसे बाहर लेके चलता हो तो कुछ इस तरह से कुछ नज़ारा, मतलब आगे से और पीछे से जो लुक था काफ़ी गजब था यार। मतलब 16 जो है वो टायर प्रोफाइल 205/60R65R16, मतलब 205/65 R16 की टायर प्रोफाइल देखने मिलती है। अभी नई वाली जो आई है तो 205/67R17 की आई है, मतलब 2 इंच बढ़ा दी गई है अभी नई वाली की। यहाँ पे अगर बात करते हो आगे, तो इस तरह से कुछ जो है वो लुक निकल के आता है। मतलब आगे वाला और पीछे वाला लुक मतलब बेहतरीन था और जजा हुआ था लोगों के मन में, इतना अच्छा है और इंस्पायर्ड भी करता था। प्रीमियम ने इसको बढ़ाया हुआ था। और ये जो है भाई साहब 16V का इंजन, मतलब CRDI 1.6, ये बात हो रही है 1.6 की, 1.5 की नहीं। सबसे मेरा फेवरेट इंजन रहा था। अगर बात करते हो यहाँ से अंदर जाते हो एक्सेस करने के लिए को ड्राइवर पैसेंजर साइड में, तो ग्लो बॉक्स काफ़ी हद तक बड़ा अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह, क्लॉक वगैरह सब मिल जाते हैं। यहाँ पे जो एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिल जाता है आपको मस्त कैरी करने के लिए। यहाँ पे सनवाइजर, यहाँ पे सनवाइजर के साथ एक मिरर दे रखा है जो आप अच्छा खासा जो है आपको स्पेस बढ़ाता है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो है वो सनवाइजर दूसरा एक मिल जाता है, कुछ रखा हुआ है सामान। यहाँ पे IRVM जो है वो SX में देने चाहिए थे, और ऑटोमेटिक जो डे टाइम IRVM, लेकिन यहाँ पे IRVM आपको मैन्युअली उठाने पड़ते हैं। यहाँ पे गियर नॉब वगैरह अब आता है, Hyundai का लोगो आता है। अगेन चारों चारों बटन्स आते हैं, कुछ डेडिकेटेड सामान वामान रखने के लिए जगह आती है। यहाँ पे मतलब कुछ ठीक ठाक आता है, ऑफर करती है गाड़ी अगर बात करते हो तो। बिल्ड क्वालिटी के मामले में बेहतर लगी मुझे, अगर आज से अभी वाली अगर कंपेयर करते हो इससे पहले वाली से, तो इंटीरियर भाई साहब काफ़ी बढ़िया है अभी वाली का। लेकिन अगर क्वालिटी की और फिट एंड फिनिशिंग की क्वालिटी की बात है, तो पहली वाली मच बेटर थी, मतलब ये वाली मच बेटर थी। आप अभी जो आ रही है उससे मच बेटर है अभी ये नई वाली क्रेटा से, क्योंकि ये देखो भाई सब बेंड भी नहीं हो पाता, डेंट भी नहीं लगता इसको, इतनी हार्ड चीप प्लास्टिक तो है लेकिन अच्छा खासा, मारुति सुजुकी जैसे नहीं अच्छा खासा प्लास्टिक देने की कोशिश की। आर्म रेस्ट अगेन देखने को अगेन मिलता है, यहाँ पे कुछ रख सकते हो सामान। हैंड ब्रेक की वार्निंग, यहाँ पे 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। AC ऑटोमेटिक जो है वो सिंगल जोन ऑटोमेटिक कंट्रोल यहाँ पे मिलता है, कंट्रोल से यहाँ पे मिलता है। फैन के बटन यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे जो है कूलिंग के बटन मिलता है, डिफॉगर के बटन यहाँ पे मिल जाए, अंदर बाहर रिसर्कुलेशन करने के लिए यहाँ पे बटन मिलता है, ऑफ का बटन AC यहाँ पे मिलता है, मूड के बटन यहाँ पे मिलते हैं। मतलब क्रेटा CRDI एक नंबर था यार, इंजन गजब इंजन था। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मेरे पॉकेट में अभी मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, ये जो है कुछ इस तरह से की, मतलब वही वाली की है यार, मतलब कुछ चेंज भी नहीं किया, वैसे की वैसे की है, अभी तक चलती आई हुई फ्लिप की जो है आपको देखने को, अगेन लॉक अनलॉक बटन वाली मिल जाती है। तो ये है फिलहाल क्रेटा। यहाँ पे तो है वो नॉर्मली 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, वो तो आफ्टर मार्केट डलवा सकते हो। यहाँ पे USB पोर्ट्स वगैरह, ऑक्स की केबल वगैरह आती थी। ये मुझे अभी वाले क्रेटा में पता नहीं चला। यहाँ पे अगर लगता है आपका पैर तो आवाज़ कर कर सी आती है, लेकिन ये पुराने वाले नहीं आती, ये एक अच्छी चीज़ है। ग्लो बॉक्स अच्छा खासा दे रखा है, विड्थ काफ़ी अच्छी है। अभी नए वाले से कंपेयर करते तो नए वाला का थोड़ा सा बड़ा है इससे। दो चारों के चारों एयरबैग्स आते हैं, टॉप एंड वेरिएंट है। यहाँ पे दो और पीछे दो, ठीक ठाक है। ग्लोबल एंड का वही 4 अडल्ट में और 3 जो है वो चाइल्ड में दे रखे थे जो है अच्छे खासे स्टार्स। बिल्ड क्वालिटी वाइज ठीक ठाक थी, अभी वाली नई वाली से तो मच बेटर है ये ऐसा बोलते हैं, लेकिन ठीक ठाक जो है क्वालिटी और फिट एंड फिनिशिंग ऑफर करते हैं। जो कोई भी जो है इस प्राइस सेगमेंट में गाड़ी उस टाइम नहीं थी, कॉम्पैक्ट SUV जो क्रेटा ने बाजी मारी थी। Hyundai का सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट रहता है 1.6 क्रेटा, यहाँ पे है 1.6 क्रेटा Hyundai की। कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।